जय हिंद एवरीवन। अभी स्टेट में 10th के रिजल्ट आ गए हैं, उससे पहले CBSE के भी रिजल्ट आ चुके हैं। सभी को बधाई, अच्छे मार्क्स आपके आए होंगे, बच्चों को और पेरेंट्स को भी बधाई। अभी आप सोच रहे होंगे अगले 2 साल का जो रणनीति है क्या करना चाहिए, तो मैं ये बताना चाहता हूँ। राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी मिलिट्री स्कूल जो एक स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कूल है, जहाँ पे सारे सरकारी टीचर हैं, हम महाराष्ट्र स्टेट की CET और नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी दोनों करवाते हैं। मैं आपको अपील करना चाहूँगा कि आप ज़रूर एक बार सोचिए, अगर आपके मन में बच्चों के बारे में CET या NDA दोनों का भी सपना हो, तो ज़रूर आप एक बार विजिट करिए। और मेरे बाद हमारे स्कूल के पंकज बोरेकर सर विस्तार से इस चीज़ को समझाएंगे। कुछ आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेंगे, आप इंक्वायरी कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं। और बच्चों के भविष्य के लिए अगले 2 साल बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसमें आप ज़रूर एक बार हमारे स्कूल का, राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी मिलिट्री स्कूल का विचार करिए और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में एक विश्वासपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, ऐसा मैं आह्वान करना चाहता हूँ। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मिलिट्री स्कूल RIGMA छत्रपति संभाजीनगर यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, ये जो चैनल है हमारा राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी मिलिट्री स्कूल, जो कि है छत्रपति संभाजीनगर में, इस मिलिट्री स्कूल का ये यूट्यूब चैनल है। और इस यूट्यूब चैनल पे आप जो है इम्पोर्टेंट वीडियो देख रहे हैं। जैसे कि अभी हाल ही क्लास 10th SSC बोर्ड महाराष्ट्र स्टेट का रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हुआ है, और बहुत सारे पेरेंट्स जो है अभी कंफ्यूज में है, अभी हमारे बच्चों को कहाँ पे एडमिशन लेना है, 11th 12th में एडमिशन लेना है, आपको कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, इसके साथ साथ आपको जो है अलग अलग सेक्टर्स जो है जिसमें आपको करियर करना है, कोई नीट के लिए गाइडेंस ढूंढता है, कोई जो है वहाँ पे इंजीनियरिंग के लिए JEE करना चाहता है, कोई महाराष्ट्र स्टेट की जो CET एग्जाम है इसके लिए जो है प्रयास करते हैं, तो अलग अलग तरह के जो है यहाँ पे 11th और 12th के लिए अलग अलग तरह के करियर सेक्टर्स अवेलेबल है, और कौन सा सेक्टर हमें चूज करना है इसके बारे में काफ़ी जो है पेरेंट्स और स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है दूर करने के लिए मैंने आपके सामने वीडियो लाया है। इस वीडियो का पर्पस जो है, ये पर्पस ये है कि आपको हमारे मिलिट्री स्कूल की बारे में इंफॉर्मेशन देना है, जहाँ पे 11th 12th के लिए NDA का प्रिपरेशन किया जाता है। NDA की एक स्पेशल बैच है जिसका प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है, बच्चों की पढ़ाई शुरू है। तो NDA का जो एक स्पेशल कोर्स है, एक इस कोर्स के लिए एक स्पेशल बैच जो है हमारे स्कूल में बनाई जाती है, और उस बच्चों को NDA प्रिपरेशन के लिए तैयारी करवाई जाती है। उसके साथ साथ जो है उनको MST CET जो एंट्रेंस एग्जाम होती है, तो उस एग्जाम की भी तैयारी NDA के साथ साथ करवाई जाती है। इसके साथ साथ जो बच्चे जो है MST CET के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम उन बच्चों को देना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए हम एक प्लेटफॉर्म जो है हमारे मिलिट्री स्कूल में तैयार कर रहे हैं इस साल से। तो अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है हमारा मिलिट्री स्कूल ये बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे होने जा रहा है। तो यहाँ पे NDA जो है, NDA की प्रिपरेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, और इसके साथ साथ MST CET की भी प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको दो ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पे जो है हमारा हॉस्टल है, तो हॉस्टल में रह के आपको 11th और 12th इस बोर्ड के साथ साथ आपकी इस एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। इसकी जो फीस जो है, फीस भी अफोर्डेबल फीस है, बाकी जो सिटी में आप क्लासेस करने के लिए जाएंगे वहाँ की फीस की तुलना में यहाँ मिलिट्री स्कूल में फीस जो है वो काफ़ी कम है, और लोएस्ट फीस में आपको ये कॉस्ट जो है, लोएस्ट कॉस्ट में आपको ये कोर्सेस और इस एंट्रेंस एग्जाम की पूरी तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी। इसमें आपको टीचिंग जो है, इस कोर्सेज का पूरा सिलेबस जो है आपको हमारे एक्सपर्ट टीचर के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे हम एक टेस्ट सीरीज लेंगे MST CET के लिए, तो इस टेस्ट सीरीज से जो है आपके जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, इसमें आप कहाँ पे कम हुए, जिस सब्जेक्ट में आपको मार्क्स कम आते हैं, उस सब्जेक्ट के लिए एडिशनल क्लासेस यहाँ पे होंगे,
और इसकी वजह से जिस सब्जेक्ट में आपको कम मार्क्स मिल रहे हैं तो वो स्कोरिंग अच्छा आने के लिए हम यहाँ पे प्रयास करेंगे। तो बच्चों इस तरह से जो है एमएसटी सीईटी का ये कोर्स हमने तैयार किया है। इसके क्लासेज जो है मॉर्निंग 9:30 बजे स्टार्ट होते हैं और 4 बजे तक, 9:30 बजे से लेके 4 बजे तक ये पूरा कोर्स यहाँ पे चलता है। जिन बच्चों को 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो 11th में एडमिशन लेने के लिए भी ये हमारा मिडिल स्कूल बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा, क्योंकि यहाँ पे रेसिडेंशियल है और एक ही कैंपस के अंदर आपके 11th 12th बोर्ड की तैयारी भी होगी, एमएसटी सीईटी की तैयारी भी होगी और इसके साथ साथ आप एनडीए का प्रिपरेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है एक ही कैंपस में आपको अवेलेबल है, कहीं पे भी आपको जाने की जरूरत नहीं। और जो भी फीस अवेलेबल करेंगे तो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग फीस नहीं, एक ही कोर्स एक ही फीस के अंदर आपको ये सभी फैसिलिटीज आपको मिली। इसके लिए जो है यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, इस कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है इसके बारे में मैं आपको दूँ, शेड्यूल कैसा है और यहाँ पे रहने की सुविधा कैसी है। और कैंपस जो है ये बहुत ही बड़ा है, 735 एकड़ का हमारा कैंपस है और इसके साथ साथ स्पोर्ट फैसिलिटीज़ भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है। अलग अलग तरह के स्पोर्ट जो है इसमें भी आप हिस्सा ले सकते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग भी आपको यहाँ पे मिलेगी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है, स्पोकन इंग्लिश भी होता है, तो ये सभी चीज़ें जो है आपको एक ही कैंपस के अंदर मिलेगी। तो आज की वीडियो का मेन पर्पज जो है आपको एमएससी सीईटी के बारे में इंफॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ। अब एमएससी सीईटी एग्जाम अगर आप देते हैं तो आपके लिए करियर के कौन कौन से दरवाजे आपके लिए खुलते हैं इसके बारे में आप हम जानकारी लेंगे। दोस्ती एमएससी सीईटी एग्जाम महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो ये जो महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगी तो इसके लिए जो है सब्जेक्ट जो है दो ग्रुप्स होते हैं, PCM और PCB। PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के सब्जेक्ट है और जिनके फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी PCB की। और हमारे जो मिलिट्री स्कूल है यहाँ पे एक जनरल ग्रुप है जिसमें आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ इंग्लिश और GK ये सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो जिसकी वजह से आप ये दोनों एग्जाम दे सकते हैं, PCM और PCB। ये दोनों ग्रुप के लिए जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल है, जो भी सेक्टर्स अवेलेबल है, ये दोनों सेक्टर्स आपके लिए खुले हैं। अब देखिए जिनका PCM ग्रुप है वो कहाँ कहाँ पे एडमिशन उन्हें मिल सकता है। BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग महाराष्ट्र में जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज अवेलेबल है, उसके साथ BTech बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे इनको एडमिशन मिल सकता है जो PCM ग्रुप से यहाँ पे CET का एग्जाम देंगे। तो इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन कौन से, इसके बारे में एक हमारा सेमिनार हुआ था हमारे स्कूल के अंदर। तो एमएसटी CET के अंदर सबसे बेस्ट कॉलेज महाराष्ट्र में कौन कौन से जहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकती है, इसका जो वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी है, पहले आपको ये वीडियो पूरी तरह से देखना है। और कॉलेजेस की जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके वो जो कॉलेजेस का वीडियो है वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो PCM ग्रुप में आप इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई हो सकते हैं, देन BTech के लिए, उसके बाद BTech एग्री इंजीनियरिंग, तो एग्रीकल्चर कॉलेजेस है उसमें जो इंजीनियरिंग ब्रांच है उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको PCM ग्रुप से CET की एग्जाम देनी पड़ेगी। उसके बाद BTech फूड टेक्नोलॉजी यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन फूड टेक्नोलॉजी, तो ये भी आप यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए PCB ग्रुप के लिए कौन कौन से कोर्सेस अवेलेबल है, इनके लिए BSc फॉरेस्ट्री, उसके बाद BSc फिशरी साइंस और BVSc दैट इज बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस। वेटरनरी डॉक्टर जो बनते हैं ये 5 साल का कोर्स है, जैसे MBBS BVSc इज इक्विवेलेंट टू MBBS, तो यहाँ पे जानवर के डॉक्टर बनते हैं। और ये जो है ये सभी कोर्सेज जो है BSc फॉरेस्ट्री, BSc फिशरी साइंस एंड BVSc ये बहुत ही रिप्यूटेड कोर्सेस है, एग्रीकल्चर कॉलेजेस में आपको ये एडमिशन मिलेगी जिसके लिए आपको MSc CET की एग्जाम देनी है। अब हमारे स्कूल में जो है आपको मैथ और बायोलॉजी दोनों भी पढ़ना है, इसकी वजह से आपको ये पूरे सेक्टर्स जो है वो यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकते हैं। अब जिनका PCM और PCB ये दोनों में से किसी भी एक
ग्रुप को लेके आप एमएससी सीईटी के एग्जाम देते हैं, तो एक कॉमन जो है कॉलेजेस है जहाँ पे आपका एडमिशन मिलेगी। बी फार्मेसी में आप एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी एग्री में भी एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी कम्युनिटी साइंस में भी आपको एडमिशन मिल सकता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में आपको एडमिशन मिल सकता है, और बीएससी इन एग्री बिजनेसेस यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये जो है ये कॉमन कोर्सेस है जिसमें से आप कोई भी एक एग्जाम देके पीसीबी ग्रुप को लेके या पीसी यम ग्रुप को लेके, तो आपको ये कॉमन जो है इस कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। लेकिन आपको यहाँ पे जो जो कॉलेजेस दिए, जो जो करियर के सेक्टर्स दिए हैं, यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको पीसीएम ग्रुप जरूरी है, और यहाँ पे एडमिशन लेना है तो आपको पीसीबी ग्रुप अवेलेबल जो है आपका होना चाहिए। तो यहाँ हमारे कॉलेज में राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी मिलिट्री स्कूल में दोनों ही ग्रुप है, मैथ और बायोलॉजी, ये दोनों ही आपका होने की वजह से आप जो है यहाँ सभी तरह के कोर्सेस के लिए एलिजिबल होंगे, और उसकी पूरी प्रिपरेशन हमारे एक्सपर्ट टीम के साथ करवाई जाएगी। जिसमें देखिए बच्चों, अभी हमारा एडमिशन प्रोसेस शुरू है, तो आप 11th 12th बोर्ड के लिए एडमिशन लेंगे, और उसके साथ साथ आपको जो है एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन हमारे स्कूल कॉलेज में यहाँ पे मिलिट्री स्कूल में करवाई जाएगी, जिसके साथ साथ आपकी बोर्ड की पढ़ाई भी होगी और एमएसटी सीईटी की पूरी प्रिपरेशन होगी। एनडीए के लिए तो अलग बैच है, इसके बारे में एक अलग वीडियो मैंने बनाया था, सुपर 30 जो बैच के बारे में वीडियो बनाया था, वो आप YouTube पे जाके सर्च कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एनडीए करना है, तो आप इस सुपर 30 बैच का एक वीडियो देखिए, और उसके बारे में वो वीडियो देखने के बाद आपको एनडीए के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो आज के वीडियो में हमने मेन फोकस किया है एमएसटी सीईटी। तो अभी हमारा एडमिशन प्रोसेस शुरू है, आप यहाँ पे स्कूल में आके एडमिशन ले सकते हैं। इस वीडियो के अंत में भी कुछ नंबर्स कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिलेंगे, उस कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है हमारा मिलिट्री स्कूल, इस मिलिट्री स्कूल के एरिया में जो बच्चे अपडाउन करना चाहते हैं, यानी कि उनको स्कूल में नहीं रहना है, कैंपस में नहीं रहना है, हॉस्टल में नहीं रहना है, लेकिन वो जो है हर दिन यहाँ से घर पे जाके भी ये कोर्स अटेंड कर सकते हैं, उनके लिए भी हम एडमिशन ऑफर करवाते हैं। तो सभी तरह के जो फैसिलिटीज जो है हमारे कॉलेज में अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ कि एक बार, कम से कम एक बार आप यहाँ पे आके विजिट कीजिए, आपको 11th में भी एडमिशन मिलेगी और एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन करवाई जाएगी, एनडीए की प्रिपरेशन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरा डिजाइन हमने किया है। तो मैं सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से अनुरोध करता हूँ कि एटलीस्ट एक बार जो है आप कॉन्टेक्ट कीजिए हमारे साथ, आपको करियर के लिए पूरा गाइडेंस किया जाएगा। थैंक यू।